रोज रोज अंडे खा के बोर हो गए हैं तो इसे बनाइए और आराम से मजे से खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स इसे खाते हैं। गाइस, क्या आप लड्डू खाना बेहद पसंद करते हैं लेकिन कैलोरीज, फैट्स और शुगर की वजह से खा नहीं पाते? तो ये वीडियो देख लो यार, बड़ा मजा आएगा लड्डू खाने में। भाई, मेरे वीडियो को एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक स्पेशल सा टिप होता है। और आजकल तो एक नए नए डांस स्टेप्स आपको सिखा रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं जिससे पेट कम होता है, बॉडी फिट बनता है और माइंड भी बहुत फ्रेश होता है। वीडियो को एंड तक देख लीजिए गाइस, ठीक है? Hey guys, मैं हूँ आपका फ्रेंड जय एंड मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो, अगर आप पहले से देख रहे हैं तो यू आर माय फ्रेंड। वेल, ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं 2 मिनट में आपको दिखा दूंगा कि मैं कौन सा वाला लड्डू ऐसा बनाता हूँ जिसमें बहुत ही लो कैलोरीज है, लो फैट है और शुगर तो है ही नहीं, फिर भी मीठा है ऑफकोर्स। क्या है उसके अंदर सीक्रेट्स, सब देख लेते हैं। चलो तो भाई, आपको फटाफट दिखा दूं किसके लड्डू बनने वाले हैं। मेरा फेवरेट मखाना, यस, फ्रॉक्स नट्स। भाई ये बॉलीवुड का फेवरेट है, आपको पता है बॉलीवुड इसके पीछे पागल है बिकॉज इसमें ज्यादा कैलोरीज ही नहीं है, वेरी वेरी लो इन फैट, ऑलमोस्ट फैट है ही नहीं, तो ऊपर से हाई इन प्रोटीन। तो बॉलीवुड इज क्रेजी अबाउट इट एंड आई एम ऑल्सो क्रेजी अबाउट इट। तो इसके लड्डू बनेंगे आज। ये प्राइमरी सोर्स है, मतलब इंग्रेडिएंट है इस लड्डू में। दूसरा प्राइमरी या फिर थोड़ा सा उससे कम प्राइमरी इंग्रेडिएंट है पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स आप जरूर खाना शुरू कीजिए अगर आप नहीं खाते हैं तो। लो इन फैट है इसलिए ज्यादा हाई कैलोरी नहीं है, प्लस वेरी वेरी हाई इन न्यूट्रिशन। बहुत सारे फायदे है इसके, सब कुछ बता दूंगा मैं वीडियो में। दूसरा इसका फायदा है ये हाई इन प्रोटीन है, यस, सो दैट्स व्हाट बोथ गोज टुगेदर। ये कुछ ज्यादा ही लो फैट है, लो कैलोरी है, इसलिए इसको प्राइमरी रखेंगे इंग्रेडिएंट, इसको सेकेंडरी। इन दोनों के लड्डू बनेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अलसी डाल सकते हैं, यानी कि फ्लैक्स सीड्स, ओके, आप थोड़ा सा डाल सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत हेल्दी होता है गाइस और इसमें भी फैट कंटेंट कम है, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है? और जब इन तीनों का लड्डू बनता है, ओए होए, बड़ा मजा आता है। आप बोलेंगे मीठा कैसे बनेगा? मीठा बनाने के लिए मैं यूज करता हूँ स्प्लेंडा, ठीक है? ये स्टीविया शुगर है, लाइक स्वीटनर है। कभी कभार खाने के लिए, आपके कोई गोल अचीव करना है उसके लिए खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स इसे खाते हैं, सो आई रेकमेंड दिस, बट यू डिसाइड। दिस इज वेरी गुड इफ यू हैव टू रीच योर गोल एंड स्टिल हैव दो शुगर क्रेविंग्स, तो कोई सारी क्रेविंग मर जाती है इसको खाने के बाद, कोई टेंशन नहीं रहती। बहुत कम डालता हूं मैं इसको, जैसे समझो 10% सॉरी 100% अगर मखाना है तो 5% का शुगर है, थोड़ा सा हल्का सा स्वीटनेस आता है लड्डू को इसलिए। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल वी यूज फॉर दिस लड्डू एंड वी आर गोना जस्ट क्विकली शो यू। तो 2 मिनट में दिखा देता हूं ये कैसे बनता है। चलो ये देखिए गाइस, पम्पकिन सीड्स बेक किए मैंने इस तरह से, आसानी से पम्पकिन सीड्स रोस्ट हो जाते हैं, बेक हो जाते हैं। आप इसको अगर ओवन नहीं है तो कढ़ाई में फटाफट करा सकते हैं रोस्ट। और फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी, वो भी इसी तरह मैं बेक करता हूं एंड देन इसको मिक्सर में ग्राइंड करा के आपको सीधा उसका पाउडर बना के लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है? चाहिए तो आप इसको नमकीन भी बना सकते हैं इसका, सिर्फ लड्डू बनाना जरूरी नहीं है, पाउडर में नमक डाल के और थोड़ा बहुत मसाला, नमकीन बन जाएगा बढ़िया सा। गाइस, मखाना को बहुत सिंपल है, माइक्रोवेव करता हूं मैं बाउल भर के मखाना लगभग 35 to 40 seconds तक, एंड सिंपली उसको मिक्सर में डाल के 5 से 10 seconds में वो ग्राइंड भी हो जाता है, उसका पाउडर बन जाता है, एज सिंपल एज दैट। आप मखाना को कढ़ाई में भी रोस्ट कर सकते हैं, उसके बाद मिक्सर में पाउडर बना दीजिए। बस अब इस पाउडर को बनने के बाद इसमें पानी या फिर आलमंड मिल्क या फिर दूध का इस्तेमाल करके थोड़ा सा ही आप लड्डू बना सकते हैं बहुत आसानी से। घी की भी ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत लो कैलोरी बन जाता है ये। भाई कैसा लगा ये रेसिपी? आप फटाफट बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कमेंट्स में, आई वुड लव टू हियर दैट। मजा आएगा, साथ में मिलकर खाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इसको बनाने के लिए और भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, क्वेश्चंस हो, मुझे कमेंट्स में फिर भी पूछ लीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है?
भाई हाई प्रोटीन है, आपको और क्या चाहिए। रोज रोज अंडे खा के बोर हो गए हैं तो इसे बनाइए और आराम से मजे से खाइए, क्योंकि अंडे से वैसे भी बॉडी हीट बढ़ता है राइट। वैसे भी समर आता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है अंडे वंडे खाना, तो ये बढ़िया सा ऑप्शन मैंने खुद के लिए ढूंढ निकाला, जिसके लिए मुझे अगर मैं 6 अंडे खाता हूँ दिन में तो अभी 4 खाता हूँ। दैट इज द डिफरेंस ये लड्डू की वजह से, बिकॉज हाई प्रोटीन है राइट। हमें हर टाइप का प्रोटीन हमारे बॉडी में लेना चाहिए, बिकॉज सिर्फ अंडे पे डिपेंड नहीं रहना है। आपको क्यों वो अलग वीडियो में बता दूंगा मैं, दैट्स अनदर गुड सीक्रेट अबाउट बिल्डिंग मसल्स एंड ऑल। ओके गाइस, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें बोलते हैं कि ये शुगर फ्री लड्डू है और यूज करते हैं गुड़ या तो फिर खजूर। आपको मैं बोलता हूं ये बहुत ही बढ़िया तरीका है अच्छा हेल्दी लड्डू खाने का, बट अगर आपका गोल है वेट लॉस या फिर 6-pack abs तो आप ये लड्डू नहीं खा सकते कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। ठीक है, तो गुड़ और खजूर मेरे तो फेवरेट है, बहुत सारा न्यूट्रिशन है, बट फाइनली इट्स स्वीट, इट्स शुगर, सो इसीलिए आपको अवॉइड करना है अगर आपका गोल आई रिपीट वेट लॉस या 6-pack abs है, याद रखो। सो गाइस, ये वाला वर्कआउट मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा है, पेट कम करना है, बॉडी को फिट बनाना है और माइंड को मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ही स्ट्रेस फ्री और फ्रेश बनाना है, तो ऐसे टाइप के कैलोरी बर्निंग किया कीजिए, बड़ा मजा आता है। आपको फटाफट सिखाता हूं मैं, देखो राइट हैंड के साथ हमेशा लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड के साथ राइट लेग, दैट्स इट, 1-2 राइट। मैंने भी अभी भी सीखा है, बड़ा मजा आ रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको आपको खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद कीजिए, एक ग्लास पानी पीने के बाद। उसके बाद आप जब ये डांस क्रिप करते हैं अच्छा खासा कैलोरीज बर्न होता है, खाया हुआ खाना अच्छे से हजम हो जाता है और आप चुस्त और तंदुरुस्त बनते हैं, माइंड भी फ्रेश होता है, समझ गए। तो शुरू कर दीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, अगेन 1-2 1-2 धीरे धीरे सीख जाएंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमन परफेक्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो लाइक बटन दिया हुआ है यूट्यूब ने, तो इसे लोड ना लो, सीधा दबा दो अगर आपको पसंद है तो। ओके, एंड अगर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने हैं लाइफस्टाइल, फिटनेस रूटीन, वर्कआउट, घूमना शूमना बाहर के वीडियोस में जो डालता हूं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब बटन, ठीक है। तब तक के लिए मैं बाय गाइस, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, स्माइल करने से मजा आता है, बाय।